हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है डेली यूज़ वाला गरम मसाला। इसे बनाना तो आसान है ही और ये बस 6 मसालों से ही बन जाता है। और इसमें मैंने जायफल, जावित्री, स्टार एनिस या पिपली, सौंफ वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। ये डेली की सब्ज़ी, भाजी, दाल, मीट मच्छी में इस्तेमाल होने वाला गरम मसाला है। और इसमें हमने लगभग 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। इलायची को आप गिन ही सकते हैं। लौंग हमने 3/4 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है और दारचीनी हमने एक बड़ा सा स्टिक था उसका आधा टुकड़ा लिया है। अगर आप छोटे टुकड़े को नापें तो लगभग 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। तो इसे हल्का सा गर्म कर लेना है। अगर घर में धूप आती हो तो आधे दिन की खड़ी धूप इसको गर्माने के लिए काफ़ी है। और पीसने से पहले इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना ज़रूरी है। अगर आग पर इसे सेका जा रहा है तो इसमें बिल्कुल धुआं नहीं आना चाहिए और न ही इसका रंग काला होना चाहिए। और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में रुक रुक कर घुमाते हुए बारीक करके पीस लेना है। अगर तेज़ी से आप चलाएंगे और मिक्सी पॉट गर्म हो जाएगा तो गरम मसाले का जो नेचुरल ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा और इससे आपके गरम मसाले का रंग भी ख़राब होगा और टेस्ट भी बर्बाद हो जाएगा। गरम मसाला चाहे आप जितना भी बना लें, लेकिन इसको आप स्टोर करें ठंडी और सूखी जगह पर। इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी जानी चाहिए और ना ही मॉइस्चर जाना चाहिए, तो नमी गरम मसाले का दुश्मन है। आप इसे फफूंद से बचाएँ तो इसे आप कई महीने तक का स्टोर कर सकते हैं। और मैंने इसे रुक रुक कर चलाया है और जो भी फाइबर वाला इलायची था उसे मैंने अलग से बारीक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बस कुछ ही सेकेंड्स में ये इतना बारीक हो गया है, मगर इसको चलाने के लिए आपका मिक्सी पॉट मजबूत होना चाहिए। बहुत ही बारीक बनकर तैयार हुआ है और रोज़ के आप दाल, छोले, मटर, भिंडी, आलू वगैरह में आप इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और अगर आप स्टोर करके रखें तो महीने क्या 6 महीने तक भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। चाहे तो आप इसे छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर आप अपने फ्रिज के फ्रीज़र सेक्शन में रख सकते हैं। इसे बनाएं, इस्तेमाल करें, लोगों को ये गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। बहुत ही कारामद और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो भी इसे इस्तेमाल करेगा खुश हो जाएगा। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं। और इसमें दिखाने को, बताने को कुछ ज़्यादा है नहीं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक